ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका देखिएगा अध्याय नंबर 8 और ये श्लोक नंबर नीचे है 17। इसमें क्या लिखा है, सहस्र युग पर्यांतम, सहस्र युग, इसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा है, ये ध्यान से देखना। मूल संस्कृत हम आसानी से पढ़ सकते हैं, सहस्र युग पर्यंतम, इसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा रखा, ओनली युग लिखा है। अह मन दिन यत ब्रह्मण, ये ब्रह्मण, यहाँ ब्रह्मण का अर्थ है इस अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म यानी पर ब्रह्म, विदु माने जानते हैं, अह माने दिन, और रात्रि योग सहस्रांतम, चतुर्युग नहीं है इसके अंदर, योग सहस्र, सहस्र माने 1000, रात्रि माने रात्रिम, ते अहोर विद जना। तो जो इस ब्रह्मण माने अक्षर पुरुष के पर ब्रह्म के दिन, जो 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि है, अहोरात्र माने दिन रात को सही ढंग से बतावेगा, वो विद्वान है, वो सही ढंग से इस काल की सारी स्थिति से परिचित है। इन्होंने यहाँ अनुवाद गलत कर दिया, देखना, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया इन्होंने ब्रह्मा का, इनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर जावे नहीं थी, ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया ब्रह्मा, और ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर योगी तक की अवधि वाला, यहाँ चतुर्युग नहीं आना चाहिए, सहस्र युग पर्यंत है, अह माने दिन, और ब्रह्म ने कहा लिखना था अक्षर पुरुष का, अक्षर पुरुष का जो एक दिन है वह 1000 युग की अवधि वाला है, नोट चतुर्युग, और इतनी रात्रि भी, रात्रि भी 1000 युग की है, नोट चतुर्युग की। और जो व्यक्ति तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व के जानने वाले, वो असली संत हैं जो इसको समझेंगे, ये चतुर्युग नहीं है। अब समझाएंगे आपको ये वास्तविकता क्या है। अपने आत्माओं ने तो गीता ज्ञानदाता कंप्लीट नॉलेज रखता आध्यात्मिक, क्योंकि ये चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन वो तत्व ज्ञान जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया अपने मुखारविंद से, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में उस ज्ञान के विषय में कहा है कि ब्रह्म ने मुखे, जो परमेश्वर ने सचिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर बोला है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और उसमें बहुत विस्तार के साथ सब आध्यात्मिक यज्ञानुष्ठानों की जानकारी दी गई है, वो सच्चाई है, और उससे मैं भी परिचित नहीं हूँ, इसलिए उसको तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछ, वो बताएंगे उस परमात्म तत्व की सही जानकारी। तो यहाँ भी यही बताया 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कि जो 1000 युग का है, नोट चतुर्युग, ब्रह्मण यानी परब्रह्म के अक्षर पुरुष की दिन और इतनी ही रात्रि है, जो इसको सारे समय को काल को सही ढंग से बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, वो सही ज्ञान रखता है। अब आपके समक्ष इन सभी भगवानों की सतीथि आयु बताते हैं, जो कबीर परमेश्वर ने यानी हम सबके मालिक ने, सबके जनक ने हमें बताई है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 10 के और श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये न तो देवता जानते, न ये ऋषि जानते, न ये सिद्ध पुरुष जानते, क्योंकि ये सभी देवता मुझ से ही उत्पन्न हुए। अब पिता की डेट ऑफ बर्थ को संतान कैसे जान सकती है, वो तो दादाजी बताओगा। तो हमारे सबके जो दादाजी हैं, हमारे सबके मालिक हैं, उन्होंने आके इस काल की भी जन्मपत्री दी बताई है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्मपत्री बताई, जन्मतिथि, और साथ में अक्षर पुरुष की भी जन्मपत्री, यानी सबकी जन्म कैसे हुआ, कैसे सृष्टि रचना हुई, वो सारी उस पूर्ण परमात्मा ने स्वयं ही आकर बताई है। और वेद भी यही गवाही देते हैं कि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की सही जानकारी ठीक ठीक वो स्वयं ही आकर पूर्ण परमात्मा बताता है, और कोई नहीं बता सकता। अंडरस्टूड है,
बाकी बताऊंगे तो तुक्के मारेंगे, झूठी आदि सच्ची आदि झूठी मिला करके एक लोक वेद बना सकते हैं, वो बनाई रखे थे पहले हमारे यहाँ। अब आपको बताते हैं, अब इन सभी प्रभुओं की, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों को हम भगवान मान्या करते हैं, और ये भी सब जा करते थे, इनका कोई माता पिता नहीं है, ये लोक वेद सुना रखा था अपने को। तो पुण्यात्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। श्रीमद देवी भागवत तीसरा स्कंद और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी, मोटा टाइप, सचित्र, उसके 123 पृष्ठ पर विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे माता, आप शुद्ध स्वरूपा हो और आपसे ही सारा संसार उद्भासित हो रहा है, आपकी कृपा से हम सभी विद्वान हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हमारा यानी मेरा ब्रह्मा का और विष्णु का, हमारा तो आविर्भाव और त्रोभाव हुआ करता है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं और तुम ही अविनाशी हो। जैसी विष्णु जी की बुद्धि काम करे थी, इसको अविनाशी बता रहे हैं। फिर भगवान शंकर कहता है कि हे माता, यदि विष्णु जी के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके पुत्र हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपकी संतान नहीं? अरे ये नकली गुरु का करते, इनका कोई मात पिता नहीं, इससे देखिए हमारे सिलेबस से भी परिचित नहीं थे नकली गुरु, या इन वेदों के ठेकेदार बंडे थे पुराणों के, ये भी मिसगाइड करके चले गए। हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, भगवानों की जीवनियां क्या बता रही हैं, ये हमें इनके विषय में जानकारी इसके विपरीत दे रहे थे, ये टीचर ठीक नहीं थे, इन्होंने पूरे मानव समाज को बांट डाला। भगवान की तरफ में हम अलग अलग मज बना बैठे और एक दूसरे के शत्रु बन गए अज्ञानता से। एक भगवान, एक स्थान से हम आए हैं, हम एक ही परमात्मा की संतान हैं, या कोई ऊंच नीच नहीं है। कर्मों से ऊंच नीच होता है, जो बुरे कर्म करता है वो नीच है, अच्छे कर्म करता है वो ऊंच है, चाहे वो किसी जाति मजहब या धर्म से संबंध रखता है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे श्री ब्रह्मा जी की आयु कैसे है। ब्रह्मा जी की दिन रात की गणना चतुर्युग से होती है, और अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की गणना केवल युग से होती है, 1000 युग से होती है, और ब्रह्मा जी की 1000 चतुर्युग से गणना है। हमारे जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 43,20,000 वर्ष के बनते हैं। 4,32,000 वर्ष इस कलयुग की आयु है, अवधि है, और ये सबसे कम है, इससे डबल है द्वापर युग की, इससे डबल, और त्रेता युग में की 3 गुना है इससे, और सतयुग की इससे 4 गुना है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 43,20,000 वर्ष बनते हैं हमारे मनुष्यों के वर्ष। तो ये एक चतुर्युग होता है, और ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि, यानी 30 दिन रात का एक महीना हो गया, और 12 महीने का एक वर्ष हो गया, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु होगी। इससे सिद्ध होया आयु सीमित है, ब्रह्मा जी की मृत्यु है, और इससे 7 गुना जो है विष्णु जी की आयु है। ब्रह्मा जी से 7 गुना, यानी ब्रह्मा जी की 100 वर्ष है, तो विष्णु जी की ऐसे बने हुए वर्ष 700 वर्ष है, और श्री शिव जी की जो तमोगुण शिव है, इसकी विष्णु जी से भी 7 गुना अधिक है, तो 700 गुना में 7, इसकी 4900 वर्ष है, तो फिर भी मृत्यु, अविनाशी नहीं है ये। अब इनसे गणना होगी आगे, जैसे ये तीसरा जो भगवान शिव है, ये इनसे अधिक आयु रखता है,
और ये 70,000 बार जब ये त्रिलोकीय शिव मर लेगा, इसको त्रिलोकी भगवान कहते हैं इनको, इन छोटे वाले लोगों की, तो 70,000 बार जब ये त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हो लेगी, ऐसे 70,000 शिव मर लेंगे, और ये प्राणी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की वर्तमान में जो पद पर विराजमान है, ये अन्य योनियों में चले जाएंगे, 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। नए पुनकर्मी प्राणियों को इन पदों पर रखा जाता है, दुर्गा से उत्पन्न करता है ये काल, और फिर इनको अपने पुत्र रूप में व्यवस्थित करने के लिए पूरे एक ब्रह्मांड में 3 लोकों का अधिपति बनाता है। तो जब 70,000 बार ये शिव मर लेंगे, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, और ये जो ब्रह्मलोक के अंदर ये ब्रह्म रहता है, वहाँ ये 3 स्थिति में ही रहता है। एक में ये ब्रह्मारूप बना कर रहता है, 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं, और दूसरे में विष्णु का रूप धारण करके रहता है, और तीसरे में ये शिव का रूप धारण करके रहता है। और जिस भी अक्षेत्र में ये जैसे विष्णु जी का रूप धारण करके रहता है, तो वहाँ दुर्गा को, देवी को अपनी पत्नी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वो विष्णु जी के आकार का बन जाता है, इन्हीं की सकल जैसा बन जाता है, वो सतोगुण युक्त हो जाता है, क्योंकि वो अक्षेत्र सतोगुण युक्त है। ऐसे ही ये काल जो है ब्रह्मा रूप धारण करके वहाँ ब्रह्मलोक के गुप्त स्थान पर रहता है, जो रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है, और वहाँ दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रखता है। इनके दोनों के योग से, संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वो ब्रह्मा जैसा ही बन जाता है, क्योंकि काल ब्रह्मा रूप बनाकर ही वहाँ विलास करता है, और उसी जैसी सकल का उनका पुत्र उत्पन्न हो जाता है, और रजोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरे में ये रहता है शिव रूप में, और फिर जो पुत्र दुर्गा को वहाँ पत्नी रूप में रखता है, जो पुत्र इन दोनों के योग से होता है, उसी जैसे आकार का, उसी सकल का बन जाता है। तो ऐसे ये वहां पर भी जब ये 70,000 बार जब त्रिलोकीय शिव मर जाएगा, तब ये काल जो शिव रूप में काल वहां रहता है, जिसे काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं, सदा शिव भी कहते हैं, उसकी मृत्यु होती है। एक ब्रह्मांड का विनाश समझो एक युग हो गया। 70,000 बार जब त्रिलोकीय शिव की मृत्यु होगी, तो वो एक युग बन गया, और काल की मृत्यु हुई, शरीर छोड़ दिया इसने वहाँ पर अपना शिव रूप में, तो काल की मृत्यु होगी, यो एक युग हो गया। किसका? ये उस अक्षर पुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं, सर्पुरुष और अक्षर पुरुष। अब सर्पुरुष तो सीधा ही नाशवान है, तो आप कह रहे हैं मेरे भी जन्म मृत्यु, तेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं, और ये ऐसे जन्म मृत्यु होते हैं। अब इसकी मृत्यु होगी 70,000 बार जब इसका पुत्र मर जाएगा शिव, उसके बाद इसकी मृत्यु होगी, और यू योग हो गया एक। किसका? अक्षर पुरुष का। तो ऐसे 1,000 योग का, अक्षर पुरुष का दिन, और 1,000 युग की रात, ऐसे जो 30 दिन रात का 1 महीना बन गया, तो ऐसे 12 महीने का 1 वर्ष बन गया। किसका? अक्षर पुरुष का। और ऐसे 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। अक्षर का अर्थ वैसे अविनाशी होता है, लेकिन इसको अक्षर मान रखा था, लेकिन यह भी नाशवान है, इसकी आयु बहुत लंबी है। एक है परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपने जिस तत् ब्रह्म की जानकारी दी है, कि उसको जानने के पश्चात फिर कोई प्राणी, वो तो फिर जरा और मरण से ही छूटने की प्रयत्न करता है, या कि किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, तो किम तत् ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो जो 3रे नंबर का प्रभु है, वो है परम अक्षर ब्रह्म। अब अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, लेकिन ये परम अक्षर ब्रह्म इसलिए लगाना पड़ा कि हमने इसको अविनाशी मान रखा था, इसकी घनी लंबी उम्र थी। अब क्या बताते हैं? एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे,
सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कबीर देव जी ने कि यदि इतनी लंबी उम्र भी हो जाती है जीव की तो भी अंत में मृत्यु है। और क्यों होती है तुम्हारी जन्म मृत्यु? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। कौन से संत? सतगुरु कौन होता है? सतगुरु वही होता है जो सत्य ज्ञान प्रचार करता है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि तू तत्वदर्शी संत की खोज कर और उससे पूछ। कहते तुम्हें वो संत नहीं मिले, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इतनी लंबी उम्र भी अगर हो जाएगी तो भी तुम्हारी जन्म और मृत्यु है, तुम्हें जो है शांति प्राप्त नहीं हो सकती। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी शाश्वतम स्थानम सतलोक को प्राप्त होगा। अपने आत्मा में जब तक जन्म मृत्यु है शांति नहीं हो सकती। जन्म होते ही प्रोसीजर शुरू, फिर युवा हुए, युवा होते ही विवाह और फिर रोजगार, फिर विवाह होते संतान की इच्छा, संतान ना हुई तो चिंता, होगी तो महाचिंता, कोई मरगी कोई बचगी, आप भी बीच में मर गए, बालक रह गए, टक्कर मार मार के मरते, तड़प तड़प कर मर गए। तो कहते हैं यहाँ शांति नाम की चीज़ नहीं है। और गीता ज्ञानदाता कहता है यदि मेरी भक्ति करनी है तो शांति हो नहीं सकती, युद्ध भी कर मेरा सिमरण भी कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने अपना मंत्र बता दिया कि मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। अब कहता है 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कि अर्जुन तू मेरा सिमरण भी कर और युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। अब इसने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करनी है ओम नाम का जाप है और युद्ध तो करना पड़ेगा क्योंकि मेरे शरण में शांति नहीं हो सकती। ओम के जाप से शांति नाम की चीज नहीं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब प्रसंग चल रहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तेरे में अवश्य विवर्ति अवैश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है। अब अक्षर माने भी अविनाशी, सर माने नाशवान, अक्षर जिसका नाश ना होता हो, यहाँ अक्षर पुरुष कहा इसको, सर पुरुष ये ब्रह्म है, ये तो अंडरस्टूड है कि सीधा नाशवान है, स्वयं भी कह रहा है मेरी जन्म मृत्यु होती है, और अक्षर पुरुष को हमने अविनाशी मान लिया, लेकिन यहाँ आगे इसका ये शंका क्लियर कर दी है, डाउट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा है उदारते ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अव्य ईश्वर है, वो है अविनाशी भगवान। तीसरे से देखिए अक्षर पुरुष अविनाशी कहलाते हुए अविनाशी नहीं है, ये कैसे अविनाशी नहीं है, इतनी लंबी उम्र है उसकी, तो इसलिए इसको भी अविनाशी का भ्रम हो गया था, इस कारण से इसको अक्षर पुरुष कहने लगे और वास्तव में अविनाशी तो कोई और है। अब 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में अर्जुन का उत्तर देते हुए गीता ज्ञानदाता ये सर्वपुरुष कह रहा है कि वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर यानी परम अक्षर ब्रह्म को जानकर सारे धातम से परिचित व्यक्ति, सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। सबसे बड़ा दुख यहाँ पर बुढ़ापा है और फिर दूसरा मृत्यु। पुण्यात्माओं
आप यहाँ अपने बच्चों में, अपनी संपत्ति में, कितने चाहे कितने दुखी हो फिर भी आप संतुष्ट हैं, और यो भी नाश हुआ इस काल ने तो भी मृत्यु भी करेगा तुम्हारी, बुढ़ापे में तड़फावे, सारी उम्र दुखी करे, कभी किसी घाटा कभी वाडा, कोई मर गया कोई बच गया, हाहाकार मची रहती है, और लास्ट में दे ही तोड़ा बुढ़ा करके ब्रैन मैटी उठा जा ना बैठा जा, कभी आँख है कभी पिंडी भड़के, कदे दांत निकलवाने, कदे चढ़वाने, बुरा हाल है, और फिर मृत्यु। सबसे बुंडा काम करा हमारी गिल मारे पल दे, सब कुछ कह तेरा तेरा तेरा, हर फिर का छोड़ ही मेरा, तो इतना बुरा हाल हमारा कर रखा है, हमारी आंखें नहीं खुलने देता, इसने इतना नशा कर दिया हमारे ऊपर, इतना प्रभाव डाल दिया यहाँ की, ऐसी वृत्ति बना दी, ऐसा घुमा दिया अपने इसने प्रेशर से कि जीव के बस का नहीं, जैसे किसी ने कोई शराब पिया दिया छीत दो पैग अच्छे मार दिए, नो काटी ना चक्कर बड़े बड़े देखे जाए, नो पता नहीं तू बोल किस तरह है। तो हमारे को इसने इतना नशा कर रखा है, कबीर परमेश्वर कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सबगट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ बांग पड़ी। अब इस बांग का नशा उतरेगा ये एंटीबायोटिक खानते, ये ज्ञान समझने से, आप यही रहोगे यही बच्चे होंगे, आपको भी सुख देगा परमात्मा, सुखदाई है, इस विधि से आप भी सुखी रहोगे, आपकी अकाल मृत्यु भी बचेगी, आपके बच्चों की भी बचेगी, और वो परमात्मा मिलेगा जिसकी हमें खोज है, जिसके लिए सभी सदग्रंथ प्रमाण करते हैं कि वो है परम अक्षर ब्रह्म, उसकी साधना करने से फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो है वो परम अक्षर ब्रह्म, वो तत्परम जो है परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, अपने आत्मा जब तक ये प्राणी थोड़ा सा हाथ पैर चल रहे हैं ना इसके, इतने इसका दस्ती कोई ना बुढ़ा होकर दुखी भी होया करे। हम देखते हैं वृद्ध आदमी लाठी का सारा इन धीरे धीरे चलते हैं बेचारे, और हम खें देश ही निकल जाते हैं। इस तत्व ज्ञान से जब आप उनके आसपास से गुजरोगे आपको पता चलेगा कि ये हमारे ऊपर भी आने वाली है, तो उससे हम क्या करेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में सुख भगवान दे सके है, संतान नहीं दे सकती, चाहे आपकी कितनी अच्छी संतान है, नेक है, आपकी खूब सेवा करे, लेकिन आप जी ने जीवन भर भक्ति करी नहीं, सारी उम्र पाप इकट्ठे करे, तो उन पापों का दंड तो वृद्धावस्था में भी भोगना ही पड़ेगा। जैसे पिता के पेट में दर्द हो गया या पैर में हो गया, कोई भी किसी कारण से कहीं भी पीड़ा है, तो संतान जो है बैठ के दुख में दुखी हो सकती है, अच्छा ट्रीटमेंट करा सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के उस प्राणी के संस्कार कमज़ोर हैं तो औषधि भी नहीं लगा कर रिएक्शन करने लग जाती है। अब उस किए हुए पाप के कर्म तो उस बुढ़े ने भोगने पड़ेंगे, वह चीस बालक नहीं सहन कर सकते, उस पेट के दर्द ने बुढ़ा सहन करेगा, और संतान वैसे अच्छी भी है, क्या सहयोग दिया संतान ने। तो हमने इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है कि जब आपके ऊपर एक और आपदा आवेगी बुढ़ापा, और जीवन में तो ना जाने कितनी घटनाएं आपके ऊपर आ सकती है प्रारब्ध के संस्कार वश, तो ये भी इस परमात्मा समर्थ परमात्मा कबीर परमेश्वर की भक्ति से, इसकी साधना करने से, ये साधना जो दास आपको बताएगा, इससे आपके जीवन में आने वाले प्रारब्ध के जो संकट हैं वो भी कटेंगे, खत्म होंगे, और बुढ़ापा भी आपका बहुत हल्का होगा, बहुत ही कम संकट में आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। और जब मृत्यु होगी सबसे पाड़ टूटेगा, मृत्यु के समय जब भक्ति नहीं कर रखी, यम के दूत आते हैं उनके पास काउंटिंग होती है कि इस वृद्ध के अब 20 सांस रह गए, 100 सांस रह गए हैं श्वास, उससे पहले आकर के इसकी गर्दन और जुबान को बंद कर देता है, और फिर उसके श्वास गिनते हैं जीव दाब के कर ले पूरे, और फिर वो वैसे नहीं छोड़ता है शरीर को, क्योंकि हम किसी किराए के मकान पर है तो ना छूटा जल्दी ही कोई कह दे खाली कर दे भाई मेरा, तो भी दुख मानर कई दिन अटपट करके निकाल देते हैं,
और इस मकान में तो हमारे जो 60-80-90 वर्ष तक फिर यू के सज छूटे हैं बिना ज्ञान के व्यक्ति का, और ज्ञानवान व्यक्ति जब परमात्मा का बुलाव होगा तो उन्हें थोड़ी का भाग लेगा इस खोखे ने, तो वो नहीं छोड़ सकता। भक्तिहीन प्राणी में वो व्यवस्था नहीं होती कि शरीर से छोड़ भी सका अपनी मर्जी। फिर यम के दूत इसको डराते हैं, बुरी बुरी तरह आकृति बनाते हैं ताकि भयभीत होकर इसको छोड़े, और ना छोड़े फिर इसके अंदर से सूक्ष्म रूप में भाले ठोकते हैं, यू फिर से निकल कर भाग जाता है। फिर इन्हें पकड़े भाग्य की जागा, तो अंत में टट्टी और पेशाब निकल जाती है सपला तो उनकी, जो आज धरती तोलता फिरता पता नहीं के बकवाद करता है। तो वो दुख याद दिलाए जाते हैं ताकि इस जीवन में ये व्यक्ति बुरे कर्म ना करे, अच्छे कर्म करके भगवान की भक्ति करके अपने आने वाले प्रारब्ध के कर्मों से भी बचाव कर सके। तो क्या बताया है कि इस तत्व ज्ञान से परिचित हुआ व्यक्ति और तत्ब्रह्म से यानी उस परम अक्षर ब्रह्म से परिचित व्यक्ति, वो केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का संकट और मरण माने मृत्यु के, इस जरा और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करता है। तब अर्जुन ने पूछा, वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानकर फिर आदमी केवल यहाँ से छूटने का प्रयत्न करता, संसार की किसी वस्तु की या पुनर्जन्म की इच्छा नहीं रखता। अब पुनर्जन्म हो गया फिर हुआ है दुर्गति शुरू, फिर हो गया फिर हुआ है शुरू, फिर हो गया फिर हुआ है शुरू, बता के कोई अंत है इसका? तो कहने का भाव ये है, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा तो हमारी हृदय नहीं हटेगा यहाँ से, इच्छा नहीं मिटेगी यहाँ से। अब आठवें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो व्यक्ति उस तत्व ब्रह्म की परम अक्षर ब्रह्म की, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुषत्व अन्य, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक वाला जो भगवान है उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है, उस परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करता है, और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का कौन सा मंत्र है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है, ओम तत् सत् इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्त है। अब यहाँ पर ब्रह्मण का अर्थ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है। तो जैसे 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो ब्रह्मण अर्थ है, वहाँ पर आयु की सीमा है, आयु की काउंटिंग है, वहाँ आयु की गिनती बताई गई है, वहाँ ब्रह्मण का अर्थ है बड़ा भगवान यानी ब्रह्म से बड़ा परब्रह्म, उस परब्रह्म की जानकारी दी गई है। और यहाँ पर जो लिखा है ओम तत् सत, इन तीनों भगवानों की, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों प्रभुओं की साधना का मंत्र है। अब जैसे ओम तो सर्वपुरुष यानी ब्रह्म का, और तत् और सत ये गुप्त हैं, सांकेतिक हैं, तत् ये अक्षर पुरुष का, अक्षर ब्रह्म कहो इसको, जो सात संग ब्रह्मांड का मालिक है, और सत जो है ये भी कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। और कोई मुझसे पता करके जानकर या कोई पुस्तक में पढ़ के हेराफेरी करके उसको जान भी लेता है, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि आगे वो किसी को प्रदान करने का अधिकारी ना होने से, अनधिकारी से बनाया हुआ कोई भी लाइसेंस भी वैलिड नहीं है, और ये तो जन्म और मोक्ष का मार्ग है, किसी का अधिकारी नहीं है वो। अगर कोई इससे नकली काम कोई करता हो तो महादुश्मन है समाज का, परमात्मा का भी शत्रु है वो। तो अधिकारी के बिना कोई भी वस्तु वैलिड नहीं होती, वो नहीं लेना चाहिए ना उन्होंने देना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत् सत यह तीन विधि से जाप करने का, और ब्रह्मण माने सचिदानंद घन परम के पाने का मंत्र है। गुणात्मा जैसे हमने आम खाना है आम, या सेब खानी है सेब, तो सेब को प्राप्त करने के लिए पन मजदूरी करनी पड़ेगी आपने, मजदूरी कहीं कर रहे हो,
फिर वहां से क्या मिलेगा, रुपये मिलेंगे आपको, रुपये। और उन रुपयों को लेकर कहाँ जाओगे, मार्केट में, वहां सेब मिलेगी। तो परम अक्षर ब्रह्म के पाने के लिए जो ये तीन मंत्र हैं या मजदूरी है उस सेब को पाने के लिए, ये पूजा नहीं होती। या तो मजदूरी है, जैसे हम कितना मजदूरी करें उसकी पूजा थोड़ी करें, पूजा तो हम सेब की कर रहे हैं, सेब खाएंगे। तो हमने सेब प्राप्त करने की जो आस्था है वो हमारी पूजा है। तो हमने परम अक्षर ब्रह्म पाना है, उसके पाने की या मजदूरी है तीन मंत्र की, ओम त ब्रह्म का, सरपुरुष का, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, तो सरपुरुष का तो ओम मंत्र है और अक्षर पुरुष का तत्। और जो उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा है, उदाहरते 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में, उसका सत वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इन तीनों की मजदूरी करने से हमने परम अक्षर ब्रह्म मिलेगा, परम अक्षर ब्रह्म प्राप्त होगा। ओए होए अपने आत्मा, श्रीमद् भगवद गीता एक अनमोल सदग्रंथ है, इसके अंदर बहुत ही निर्णायक ज्ञान है। लेकिन ये है तत्वदर्शी संत के सत्र का ज्ञान, और ये पहली कक्षा के स्टूडेंट भी ना थे, ये बन गए हमारे गुरु, ये नकली ब्राह्मण, नकली ऋषि, मैं ऋषि मंडलेश्वर आचार्य, इनको आध्यात्मिक मार्ग नहीं था, संस्कृत में चाहिए PhD कर रखी हो। भाषा का तो एक अलग ज्ञान है, भाषा का इससे कोई लिंक नहीं है। अध्यात्म ज्ञान किसी भी भाषा में हो आपको समझ में आना चाहिए, भाषा का सिर्फ इतना काम है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके। संस्कृत को कोई नहीं जानता, बोलता रहे संस्कृत उसके लिए तो बहस बराबर है। तो परमात्मा ना कर, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में जो जनसाधारण समझ सकते हैं उसमें मुझे सूक्ष्म वेद में पूर्ण ज्ञान दिया, उस तत्व ज्ञान में, कबीर वाणी में, जिसको ये दास आपके समक्ष खोल रहा है। इस दास के ऊपर मेहर की परमात्मा ने ये ज्ञान समझाया दास को, गरीब आपको उन्हीं सदग्रंथों का रहस्य आपके समक्ष कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक अनमोल सदग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, इसको नहीं समझ सके ये, क्योंकि कारण क्या है भाई, गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सौर रह अज्ञानी। कहते गुरु, गुरु बिना, गुरु कहो ते सतगुरु कहो, यदि गुरु, गुरु वही होता है जो सही ज्ञान जानता हो, लेकिन ये झूठे गुरु गणे हो गए, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा, जो सच्चा ज्ञान बताओ वो सच्चा गुरु। तो वैसे तो गुरु ही काफी था, तो यहाँ इसलिए कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जैसे थोथा भूस छड़े मूड किसाना, यानी मूर्ख आदमी होगा जो पराल में से जो धान निकाल लिए और फिर उस पराल ने ठाठा पेट कर अनुमन रगरड़ा हो गया, क्या कर रहा है धान निकालूं, धान इसमें कड़े टट्टू है भी। ऐसे ही हम तत्व ज्ञान के बिना जो भी साधना कर रहे थे वो आन उपासना थी, वो थोथा भूस कूट रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी अपनी मर्जी से जो साधना पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख हो है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो, न उनकी कोई गति हो, यानी यूजलेस। इससे तेरे लिए, 24वें श्लोक में कहा है, 16वें अध्याय के, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, कौन सी त्यागनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। उनको समझ कर उसी आधार से तू क्रिया कर। तो शास्त्रों के विरुद्ध जो साधना कर और करवा रहे हैं वो ज्ञानहीन हैं और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा है कि जैसे अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में अब तीन मंत्र बता दिए उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की, और उसकी तीन विधि से उसका जाप है, स्मरण है, वो ये दास बताएगा तीनों मंत्रों का। जब आप तीनों मंत्र जिसको मिल गए हैं उनको पालूम है कि ये ऐसे तीन ही प्रकार से इसका स्मरण है और इससे परम अक्षर ब्रह्म प्राप्ति होगी। इस तीन मंत्र की मजदूरी से वो आम मिलेगा, सेब मिलेगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में इस तीन श्लोकों में स्पष्ट किया है कि जो उस तत्वदर्शी संत के मिलने के बाद और सही मंत्र उसको मिल जाता है, जो उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है,
तो उसकी भक्ति की शक्ति यानी मंत्र के जाप के अभ्यास से जो उसमें भक्ति की कमाई होगी, उस कमाई से वो उस परमेश्वर के पास पहुंच जाओगा, उस परम देव पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होगा। यानी जो गीता ज्ञान दाता से कोई और है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भयामोक्षामी माशुच। अब ये गीता ज्ञानदाता सर्वपुरुष है, ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है प्रेत की तरह प्रवेश करके। ये कह रहा है कि तू सर्वभाव मेरे सतर की जितनी पूजा है ओम नाम का जाप तूने किया उस तीन मंत्र के जाप में, और ये पांचों यज्ञ ये मेरे सतर की हैं, इनको तू मुझ में छोड़, मेरे सतर की जितनी धार्मिक पूजाएं हैं मुझे दे दे। अब हम क्या करते थे, ब्रह्म साधना करते थे ऋषि बनकर और यहाँ यज्ञ करते थे, तो हम कहाँ चले जाते ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक में अपने किए हुए पनों को बर्बाद करके नष्ट करके खा के खर्च के उस महा होटल में, वो होटल है रेस्टोरेंट है जो जहाँ हमारी पूंजी से सुख प्राप्त होता है, उसको नष्ट करके हम नीचे पृथ्वी पर फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाकर कुत्ते गधे सूअर बनकर पाप कर्मों का दंड भोगते थे। जब तक हम परम अक्षर ब्रह्म की साधना नहीं करते तो हमें दोनों कर्म भोगने होते हैं, पाप भी और पुण्य भी, और दोनों भोगने से ही समाप्त करने पड़ते हैं। और परम अक्षर ब्रह्म की शरण माने से आपके पापों को नाश कर दिया जाता है और केवल पुण्य आपको प्राप्त रह जाते हैं। जैसे फसल में खरपतवार हो जाता है, आजकल ऐसी मेडिसिन की खोज होगी है ऐसी औषधि की कि उसमें डाल देते हैं पानी में फसल में तो घास का नाश कर देती है, फसल सुरक्षित रह जाती है। ऐसी यह खोज है किस्म की, पदार्थ यहीं थे खोज अब हुई है। इसी प्रकार ये मंत्र अपने सदग्रंथों में थे लेकिन खोज इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने यह अब होगी है। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कह तो रहा है कि मेरे सतर की सब पूजाओं को छोड़कर उस परम अक्षर परम की शरण में जा, और ये नाड़ी अनुवाद कर रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। श्री कृष्ण जी की शरण में तो पहले कह रहे अर्जुन मैं तो आपकी शरण में हूँ, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहता है कि हे भगवान मैं आपकी शरण हूँ और जो मेरे हित में हो आप वो ज्ञान मुझे बताओ, मेरी अकल काम करना बंद करेगी। वो तो पहले कह रहा मैं तेरी शरण में हूँ, तो अब मेरी शरण में आने का क्या औचित्य था यहाँ भगवान का कहने का, या समझ नहीं सके। ये अपने आत्माओं जैसे 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, और ये 60, 61, 62 से आगे जो है लास्ट श्लोक चल रहे हैं और 66 तक इसमें ज्ञान है, आगे तो फिर अलग से क्रियाएं बताई हैं। तो यहाँ क्या बताया कि अंतिम तक ज्ञान हो गया और अंतिम अध्याय आ गया, अंतिम श्लोक हो गए। अब गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में ये कहा कि अर्जुन जो मैंने कहना था तेरे तक कह दिया, यो गीता का अति रहस्यमय ज्ञान तुझे सुना दिया, अब तेरा जैसे समझ में आवे ऐसे कर ले। जब मेरी शरण में आना है तो युद्ध कर, शांति नहीं, युद्ध करना पड़ेगा, और तूने परम शांति चाहिए युद्ध याद नहीं करना पड़े तो तू उस परमेश्वर की शरण में जा। अब तू फैसला कर ले मेरी शरण में रहना है या उसकी शरण में जाना है। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया गीता जी का, लास्ट हो गया। अब 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है एक और रहस्य युक्त ज्ञान बताता हूँ, एक और गुप्त से गुप्त भेद बता दूँ। इष्टे असि मे दृढ़मिति तत्वक्षामी ते हितम, के इष्ट माने इष्ट देव है मेरा भी वही 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को तुझे कह रहा हूँ वह मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसी की आराधना करता हूँ। और स्वयं परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म आकर गोरखनाथ से कहता गोरखनाथ तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये ब्रह्म ये भी धरता ध्यान हमारा ये मेरी पूजा करता है, और ये स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मेरा भी वो इष्ट देव है। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, यहाँ पर इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया।
अब अगर यहां फिर नो कहता कि मैं गुप्त से गुप्त भेद बताता हूं तो मेरा खास्ट प्रिय है, तो पहले बता दिया गुप्त से गुप्त 63वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह दिया कि ये गुप्त से गुप्त गीता जी का ज्ञान मन तिरति कह दिया। अब कहे एक भेद और बताता हूं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि एक और गुप्त से गुप्त भेद बताता हूं कि मेरा पूज्य देव भी यही है। अब 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है यदि मेरी शरण में रहना है तो उठ भाई और युद्ध कर, मुझे नमस्कार कर, मेरे मन वाला हो, यानी मेरे में भावित हो। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है कि जो भी साधक अंत समय में जिसमें भावित रहता है, जिसमें जिसकी आस्था होती है, तो उसी को प्राप्त होता है। तो यहाँ 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में फिर गीता ज्ञानदाता कहता है कि तुम मुझ में मन वाला बन, मुझे नमस्कार कर और मुझे प्राप्त होगा, नथिंग एल्स। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है तुरंत, यहाँ प्रश्नोत्तरी चल रहे हैं कि अब तो निर्णायक ज्ञान आ रहा है कि अगर उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान प्रीतजमाम, मेरे सत्र के सभी धार्मिक पूजाएं मुझ में छोड़ दे और फिर अहम तवा सर्व पापे वह मोक्षामी मासुच। तो हम क्या करते रहे, पहले ओम नाम का जाप और यो यज्ञ जो करते रहे, जैसा भी ज्ञान था तो उसको ब्रह्म लोक में नष्ट कराते थे और पाप न्यो के न्यो रह जाते, उनको गधे कुत्ते सूर बन के भोगते थे। अब हम उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पापों का नाश करेगा, और जो इसके सत्र की ओम नाम के जाप की साधना, क्योंकि हमने इससे छुटकारा पाना, इसका कर्जा हमारे ऊपर है, इसको दे देंगे, ये हमने कुत्ते गधे सूर नहीं बना होगा, हम इस पूंजी का प्रतिफल ना लेकर के इसका जमा करा देंगे, तू अपना किराया पकड़ और हमें छोड़ कर से मुक्त कर। पुणात्माओं, जिनको ये सृष्टि रचना समझ में आ गई है उनको पता है कि ये पृथ्वी लोक भी घूम रहा है और 21 ब्रह्मांड भी घूम रहे हैं और हम इस पृथ्वी लोक पर इस काल के लोक में बैठे हैं, इसके वायुयान में घूम रहे हैं और इसने टैक्स लगा रखा है इसका, इस यात्रा का, और मजदूरी करो इसका पूरा करो, इसका किराया लेता हमारे से। तो परमात्मा ने यह विधि बताई है कि साधना करके इसका प्रतिफल मत लेना, किराया दे दो इसका, तो इसका टैक्स दे देंगे हम, ये हमारा कर्जा मुक्त कर देगा हमें। ओम नाम का जाप हम इस काल को देंगे, ब्रह्म को, और जितनी भी हम यज्ञ धर्म आदि कर रहे हैं ये सब इसको देगा, जो पीछा छूटेगा अपना। और फिर कहता है सर्वधर्मान प्रीतजमाम एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस पर अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भ्यो वोक्ष्यामी मां सुच, फिर कहता मैं तेरे को कोई दंड नहीं दूंगा, क्योंकि फिर यू मांगे कि हमारे तो जब इसका हमारा फैसला हो गया तो चिंता ना करे। कहता तब तेरा छुटकारा हो सकता है, तू उसकी शरण में जा और तत्वदर्शी संत बिलैर यू 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में जो कोड वर्ड है मंत्रों का, ये वो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, और उसकी भक्ति करने से ही त्रमोक्ष होगा। क्लियर कर दिया कति। और यहाँ गीता अनुवादकर्ताओं ने आज तक इस दास से पहले सबने अनर्थ कर रखा है, वर्ज माने आना कर रखा है, जबकि वर्ज माने जाना होता है। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो, गो मीन जाना, और गो का अर्थ कोई कम करता है यानी आना करता है, तो कितना विद्वान है, कैसा समझा उसने उस सेंटेंस को, वो महामूर्ख है। तो इन्होंने वर्ज माने आना कर दिया, जबकि वर्ज माने जाना होता है, क्योंकि इनकी बुद्धि का सत्र श्री कृष्ण यानी विष्णु जी से ऊपर गया है कोनी। इन्होंने श्री विष्णु जी को, इस सतोगुण विष्णु जी को परम पुरुष मान रखा था। अपुनात्माओं, श्री मद्भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में इसको आपको फिर याद दिलाते हैं कि इसमें कहा है कि जब आपको परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी हो जाएगी, उस समय तेरी स्थिति ऐसी हो जाएगी अर्जुन जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जोड़ में रह जाती है, जो जिसका पता है कि एक वर्ष वर्षा ना हुई था ये सूख जाएगा और इसके आश्रित भी तड़प तड़प कर मरेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान, इन पर आश्रित व्यक्ति कैसे परम शांति प्राप्त करेगा, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक वाली
जब तक जन्म मृत्यु है महाकष्ट है, कौन मर करा जी अड़ते देवता हो, आखिरी सांस तक तरफ यही रहती है जीवन बना रहे जी, उनको दौर गणा सुख है वो तो और ज्यादा तंग आ पाते हैं मरते समय। और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी सरपुरुष आपे सरपुरुष है, तो ये नाशवान है, खुद कहता है मेरे जन्म और मृत्यु होते हैं, तो इसके आश्रित हम परम शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर पुरुष की स्थिति आपको बता दी, इसकी भी मृत्यु होगी। और परमात्मा कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र होगी तो भी मरेगा, मरेगा तो फिर परम शांति नहीं। तो अक्सर पुरुष यानी परब्रह्म की साधना भी शांतिदायक नहीं। परम अक्षर ब्रह्म की साधना, उसकी भक्ति, वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? वो कबीर देव है, कबीर साहब है। उस कबीर देव की भक्ति से, परम अक्षर ब्रह्म की साधना से, ये वही कबीर है जो बनारस में काशी में जुलाहे की भूमिका किया करते थे और चारों वेद उसकी गवाही देते हैं। चारों वेद ये प्रमाणित करते हैं कि वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव है। और सतलोक से चलकर, अपने अमर धाम से चलकर, मुक्ति धाम से गति करके यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्वज्ञान से परिचित कराता है, और वो तत्वज्ञान परिचित प्राणी फिर उस परमात्मा के ज्ञान का फिर डंडोरा पीटते हैं। उनमें से कौन कौन है वो परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्त परमात्माएँ, वो हंस आत्माएँ? आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुड़ाने जिला जद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा साहेब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और भी महापुरुषों ने मिले हैं, लेकिन उनके इतिहास में उनका क्लियर नाम नहीं है, लेकिन अब तत्वज्ञान से पता चला है कि उनको भी मिले हैं। किनको? आदरणीय नामदेव साहब जी को परमात्मा स्वयं आकर मिले थे, और तब उन्होंने सही यही मंत्र मिले थे तीनों, और तब उनका मोक्ष हुआ था। तो इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, और इन्होंने अपनी अमृत वाणी में, अपने द्वारा अनुभव की वाणी में, परमात्मा प्राप्त वाणी में लिखा है, गवाही दी है। गरीबदास साहेब ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय नानक साहेब जी ने कहा है, फाई सूरत मलोकी वेश, एठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बोता भार, ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पन्ने पर लिखा है, और 721 पन्ने पर लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। निर्विकार परमात्मा, हक्का कबीर माने सत कबीर, और धानक रूप रहा करतार, वो धानक रूप में परमात्मा कबीर। ऐसे दादू साहेब जी ने कहा है कि जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सृजनहार। गरीबदास जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुर पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। बोलो सतगुरु दे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, ये कबीर साहब जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, पिता हैं। परमेश्वर कबीर देव जी प्रत्येक युग में आते हैं, और प्रत्येक युग में आकर के वो अपने सतलोक से चल कर आते हैं, और यहाँ काल के लोक में फैले हुए आध्यात्मिक अज्ञान को नाश करते हैं,
तत्व ज्ञान का प्रकाश करते हैं, काल की प्रेरणा से, काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान से प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण हो चुकी होती है। लोक वेद सुनकर के सब चीखने घड़े बन जाते हैं, परमेश्वर उस समय आते हैं, तब हम उस परमेश्वर के उस सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हम इसी काल के जाल में रह जाते हैं। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उसमें आपको काल के जाल की प्रत्येक डोरी नजर आने लग जाएगी, प्रत्येक गांठ महसूस होएगी कि इसने ये बंधन किस कारण से हमें बांध रखे हैं। फिर आप के अंदर एक विशेष तड़प बनेगी उस परम पिता को पाने की। परमेश्वर कबीर देव जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, जैसे आज आपको सत्संग में सुनाया था। ये वो परमात्मा है जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण यही परमात्मा करते हैं। हम परमेश्वर से अपरिचित होने के कारण, तत्वज्ञान के अभाव से परमात्मा को ना पहचान कर, हम अज्ञान आधार से अन्य देवताओं की पूजा कर रहे थे, जो हमारे सदग्रंथों में भी मनाही है। अन्य देवता कौन कौन है? ये तीनों देवता श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, और इनके अंतर्गत जितने भी 33 करोड़ देवता हैं, ये सभी अन्य देवताओं में आते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल रहा संसार, कहे कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरो पार। पुण्यात्माओं, हमारे सदग्रंथ हमें यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आज तक इन सदग्रंथों को कोई समझ नहीं सका, जिस कारण से हम अपने ही खजाने से, अपने घर में दबे हुए उस धन से, आध्यात्मिक ज्ञान से हम वंचित रहे, और जिसका दुष्परिणाम हमने भोगना पड़ा। हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए, कोई पशु पक्षी की योनियों में धक्के खा रहे, भटक रहे। मनुष्य जीवन केवल इसलिए प्राप्त होता है कि हम मोक्ष करावें, जन्म मरण के दीर्घ रोग से पीछा छुड़वावें, लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से हम साधना करते करते भी जीवन व्यर्थ कर जाते हैं।